वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 13 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? साथियों, तो उत्तर प्रदेश ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। अब उत्तर प्रदेश ने दी है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। साथियों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? तो 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पीलभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। राम गंगा परियोजना राम गंगा नदी पर बना है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बना है साथियों, और यह दोनों परियोजना यूपी में है साथियों। साथियों, एक परियोजना है सौ रिहंद परियोजना। कौन सा परियोजना? तो सौ रिहंद परियोजना। ये सौ रिहंद परियोजना है सतलुज नदी पर और किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है यूपी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कौन सा संस्थान? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में है साथियों। किसानों की आय को दुगुना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत यूपी ने की। और समग्र शिक्षा अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब अगला प्रश्न है आपका, मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? साथियों, तो मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में साथियों चुना गया है थॉमस ए संगमा को। किसे? तो थॉमस ए संगमा को चुना गया है साथियों। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय के गवर्नर कौन है? फागु चौहान। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनाड संगमा। मेघालय में राज्यसभा एक है और लोकसभा दो है। मेघालय की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को और मेघालय में विधानसभा सीट कितना है? 60 है साथियों। और कौन कौन से राज्य में विधानसभा सीट 60 है? तो मणिपुर में 60 है, त्रिपुरा में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, नागालैंड में 60 है और मेघालय में साथियों विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 60 है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीट साथियों कितना है? तो 60 है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मेघालय में है। सीजू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो मेघालय में है। बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। जारुकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर मेघालय को बोलते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय का मासीन राम है जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है साथियों। और मेघालय में ही है क्रेमपुरी गुफा जो दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है साथियों? तो यह साथियों उत्तराखंड में बनाया जा रहा है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा साथियों। अब उत्तराखंड में बनाया जा रहा है साथियों, देखो उत्तराखंड के चार धाम यात्रा मार्ग में करीबन 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे साथियों इसमें। अब बात करते हैं आगे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ पे राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है साथियों। साथियों आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 3 ऐसे राज्य का नाम जहाँ पे नए नए राज्यपाल बने हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से राम गंगा रिवर निकलती है साथियों। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है और अब कर दिया गया है राम गंगा नेशनल पार्क। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है साथियों। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है।
राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है और भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के देहरादून में है सूर्यधार झील। साथियों, उत्तराखंड के किस शहर में है लक्ष्मण झूला, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ उत्तराखंड में हुआ है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसने जीता है, तो यूपी ने जीता है। गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो उत्तराखंड को दिया गया है। और भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। अब अगला प्रश्न है आपका, कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। साथियों, तो ये बनी है शालिजा धामी। साथियों, अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में साथियों बात करते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। साथियों, तीनों सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। साथियों, आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। साथियों, नेवी डे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार है। कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर साथियों कहाँ है, तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन है, तो ऑसबर्न स्मिथ है। और प्रथम इंडियन गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो सीडी देशमुख। साथियों, सीडी देशमुख का फुल फॉर्म होगा चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में हुआ। साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। अब साथियों, बहुत सारे बैंकों ने बहुत सारे अभियानों की शुरुआत की है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है साथियों, तो उसको भी एक बार रिवीजन करते हैं। साथियों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैशबैक कार्ड लॉन्च किसने किया है, तो SBI ने किया है। जमा योजना उत्सव की शुरुआत किसने किया, SBI ने किया है। SBI अर्थात साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की है। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत SBI ने की। ग्राहकों की सुविधा के लिए SMS बैंकिंग सुविधा की शुरुआत HDFC बैंक ने की। साथियों HDFC बैंक के CEO कौन है वर्तमान में, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत किसने की है, तो HDFC ने की है। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत किसने की, HDFC ने की। HDFC साइबर सिक्योरिटी अभियान शुरू किया गया है, मुंह बंद रखो अभियान। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंह बंद रखो अभियान क्या है, तो यह साइबर सिक्योरिटी अभियान है जो HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया। साथियों, उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया। धन वर्षा योजना की शुरुआत LIC के द्वारा की गई। साथियों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है, तो कैनरा बैंक ने जीता है। साथियों, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है, साथियों, तो सर डेविल एलन चिपरफील्ड को चुना गया है। साथियों, किसे, तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को चुना गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, शॉन मॉर्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश के क्रिकेटर हैं, तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। साथियों, शॉन मॉर्स किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं।
अब ऑस्ट्रेलिया के हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंटोनियो एल्विनेस हैं। पंजाबी भाषा में स्कूल पाठ्यक्रम को शामिल किया गया साथियों, यानी कि साथियों पंजाबी भाषा को स्कूल पाठ्यक्रम कौन से स्कूल में? तो ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में साथियों पंजाबी भाषा को शामिल किया गया है। अब साथियों क्रिकेट के बारे में जानते हैं, तो क्रिकेट साथियों मैं साथियों बहुत दिनों के बाद बता रहा हूँ इसके बारे में आपको, और साथियों अभी जो SSC का एग्जाम हो रहा है वहाँ से गेम से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो साथियों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा देखें साथियों, और दूसरों को भी शेयर करें साथियों ताकि उसकी भी मदद हो सके। तो साथियों अब बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वार केले हैं साथियों ICC के चेयरमैन। ICC के डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा हैं। और ICC के CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं। साथियों अब BCCI के बारे में बात करते हैं। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? तो हैम्बल्डन। इसकी स्थापना कब हुई? 1760 में हुई। साथियों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूसरा क्रिकेट क्लब कौन सा है? तो मैरीलेबोन है, और मैरीलेबोन की स्थापना कब हुई? तो 1787 में हुई साथियों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? हैम्बल्डन, और दूसरा कौन सा है? मैरीलेबोन। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ। साथियों एक दिवसीय मैच 71 लास्ट ब्लांक याद रखना वन में साथियों, अर्थात अगर आपसे पूछे कि क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच कब हुआ तो 1971 में हुआ साथियों। और साथियों पहला टेस्ट मैच कब हुआ? 1877 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ? 1975 में हुआ, और यह वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड में हुआ था साथियों। अब जानते हैं क्रिकेट के संबंध में महत्वपूर्ण ट्रॉफी को और कप को, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और SH कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। साथियों संतोष कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था जिसमें भारत की जीत हुई थी, और 2011 में भारत श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था जिसमें भारत की साथियों जीत हुई थी। अब साथियों आपको बताना है हॉकी के बारे में कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई है? तो कर्नाटक में साथियों भारत में पहली मौत हुई है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से साथियों। अब साथियों कर्नाटक में हुई है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर, और बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्बई। कर्नाटक में राज्यसभा कितना है? 12, और लोकसभा कितना है? 28। मट्टूर भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है साथियों, और साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक ने जीता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है साथियों, और साथियों मैंने भी जस्ट बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर किस राज्य ने लागू किया, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है, और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है, और दोनों कर्नाटक में है। संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो साथियों यह कर्नाटक ने जीता है साथियों। 22 वाला किसने जीता था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, किसानों को वित्त प्रदान करने के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है साथियों? तो पंजाब नेशनल बैंक ने साथियों। अब PNB ने साथियों किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है।
पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 19 मई 1894 को हुई। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों? तो दयाल सिंह मथीजा और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया साथियों। अब साथियों पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो अतुल कुमार गोयल जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पंजाब नेशनल बैंक के साथियों। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने कल आपसे 3 महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न पूछे थे जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से दिया है साथियों। साथियों मैं जितने भी प्रश्न पूछता हूँ वो आपके रिवीजन के लिए पूछता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो साथियों। तो कल मैंने पूछा था कि नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि रामचंद्र पैडल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नेपाल के बने हैं। और निसार सैटेलाइट मिशन इसरो और किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त उपक्रम है? तो साथियों नासा का और इसरो का संयुक्त उपक्रम है साथियों। या आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? दूसरा प्रश्न आपका है चीन के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने हैं? और तीसरा प्रश्न साथियों आपका है सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 92 महिला अरबपतियों के साथ प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और भारत का स्थान क्या है साथियों इसमें सिटी इंडेक्स 2023 के अरबपति महिलाओं की सूची में? तो ये दोनों प्रश्न का जवाब साथियों देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।